गुड मॉर्निंग क्लास 7 बेटे, यहां पर सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 5.1 का। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी थी, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पर अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी आती जाएंगी वैसे वैसे आपको डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला है राइट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। वेरिएबल्स मींस ये जो एक्स वाई जेड एबीसी होते हैं, तो यहाँ भी हम एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल अपना रखेंगे x। अगर दिया गया है तो हम वो यूज करेंगे, नहीं दिया गया है तो x। कॉन्स्टेंट हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, और अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है फाइव टाइम्स अ नंबर z, उसमें बोला है फर्स्ट वाले में कि एक नंबर है z, उसका फाइव टाइम्स यानी कि फाइव टू z, तो फाइव टू z आपका सिंपली क्या बनेगा फाइव z, क्योंकि ये वेरिएबल है ये कॉन्स्टेंट है, तो इसका आपस में प्रॉपर मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका क्या जाएगा फाइव z, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, दो नंबर से आपके x और y उनका सम और उनके सम का वन हाफ मींस ये, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और वन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वन को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम डिजिट ही आती है, तो वन को हम अलग से शो नहीं करते, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन टू, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है नंबर x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अभी देखिए एक नंबर है x, उसको खुद से ही मल्टीप्लाई किया गया बेटा, एक्सपोनेंट में आपने सुना है कि अगर जैसे 2 है, 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी होती है, इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती है एड। जब एक वेरिएबल होता है उसी का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो उस वेरिएबल की जितनी पावर्स होती है वो आपस में एड होती चली जाती है, तो यहाँ पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ पार्ट, इसमें बोला गया है आपसे वन फोर्थ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू। बेटा पी और क्यू दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट यानी पी इंटू क्यू और इनका वन फोर्थ यानी कि वन अपॉन फोर्थ, ठीक है। तो पी इंटू क्यू बेटा दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो आपस में प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएंगे पी क्यू, और जब वन अपॉन फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा फोर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट पर आपसे बोला है नंबर्स ए एंड डी बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। बेटा एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, इन दोनों का स्क्वायर किया गया है यानी इस पे भी पावर 2 और इस पे भी पावर 2, और फिर इनको कर दिया गया है आपस में एड, तो यही हमारा बनेगा, यही हमारा आंसर, यही एक्सप्रेशन हमसे बोला गया है, ठीक है। सिक्स पार्ट देखिए, इसमें आपसे बोला है नंबर 6 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए एंड डी। देखिए ए और बी दो नंबर है, उनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स, उसमें ऐड किया गया एक नंबर 6, यही बनेगा। एक ही किस्सा हम करते जाएंगे और उस हिसाब से हम ऑपरेशंस करेंगे, तो ये 6 प्लस 3, बेटा ए और बी अलग वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट है, तो प्रॉपर मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है नहीं, तो हम विदाउट साइन इनको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये बेटा देखो जो सेम वेरिएबल सारे टर्म्स होते हैं वो होते हैं हमारे लाइक टर्म, जो डिफरेंट वेरिएबल सारे या कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो होते हैं आपके अनलाइक टर्म्स, तो ये तो अनलाइक टर्म्स है, तो इनका एडिशन ऑपरेशन प्रॉपर पॉसिबल नहीं है, तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है। सेवन पार्ट में आते हैं, इसमें आपसे बोला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। बेटा वाई और जेड दो नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट है इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है किससे 10 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस वाई जेड, जेड वाई लिखिए वाई जेड लिखिए एक ही बात है, ठीक है। एट पार्ट में बोला है सम ऑफ द नंबर्स n एंड n सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। बेटा दो नंबर है m और n, उनको सम किया है और उनका जो सम है वो माइनस हो रहा है किससे उनके प्रोडक्ट से, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं m n माइनस m प्लस n। देखिए जब बीच में प्लस और माइनस रहता है तो वो साइन तो रहता है, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम कोई साइन
हम सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें आपसे बोला गया x माइनस फोर। बेटा देखिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जितने भी नंबर और वेरिएबल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उतने ही टर्म्स एक एक्सप्रेशन में होते हैं। जैसे यहाँ एक माइनस है तो एक माइनस के साथ एक एक्स है और एक फोर है, तो कितने टर्म्स है? दो। तो टर्म्स कौन कौन से हो गए यहाँ पर? एक्स और माइनस फोर। साइन हमेशा साथ में चलता है, अगर प्लस है तो शो नहीं किया जाता है, माइनस है तो शो किया जाता है। अब बात आती है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो टोटल जितने वेरिएबल्स और नंबर्स उस या कॉन्स्टेंट जिन्हें हम बोलते हैं उस एक्सप्रेशन में होते हैं भाई, उसकी क्या होती है? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक्स और माइनस फोर। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाते हैं हम एग्जाम्पल इसका पार्ट सिक्स लेकर। ठीक है, पार्ट सिक्स में आपको एक्सप्रेशन दिया है माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स फाइव प्लस फोर एक्स फाइव प्लस सिक्स फाइव स्क्वायर। ठीक, अभी देखिए सबसे पहले टर्म्स। तो प्लस माइनस कितने यूज हो रहे हैं? दो। वो तो साइंस के साथ इंटीजर टाइप चल रहा है, दो यूज हो रहे हैं तो उससे कितने नंबर सेपरेट हो रहे हैं? तीन। वन टू थ्री। तो ये क्या होगा? इसके टर्म्स। तो टर्म्स कौन कौन से होंगे? माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, फोर एक्स फाइव और सिक्स वाई स्क्वायर। ये सब एक साथ जल्दी चले जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं वो एक साथ रहते हैं। अब बात आती है फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? इस टर्म में कितने फैक्टर्स हैं? तीन। कौन कौन से? माइनस फाइव और दो एक्स, एक्स इंटू एक्स, फोर और एक्स वाई। ठीक, ये भी क्या होगा? इसके फैक्टर्स फिर सिक्स वाई और वाई, वाई स्क्वायर मीन्स दो वाई एंड वाई। तो ये क्या होगा? इसके फैक्टर्स। इस तरीके से हम टर्म्स और फैक्टर्स को एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। प्लस और माइनस से जितने टर्म्स सेपरेट होते हैं उतने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और फिर जितने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट किसी भी एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो होमवर्क में बेटा आपको इसके सेकेंड से लेकर फिफ्थ पार्ट तक सॉल्व करना है। ओके, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।